Omzi mamzi mam bing bing bo tan tan se tar chhatte chhati se omzi mamzi mam bing bing bo. हेलो नोट्स गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एंड यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। एंड ऑल्सो अगर तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे तुम लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाता रहता हूँ। नाउ बर्तन में पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान हमें बहुत जल्दी बिग बॉस में देखने को मिल सकते हैं? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसी के रिलेटेड यार बात करते हुए फुकरा इंसान ने जो आज अपने सेकंड चैनल के ऊपर में यार वीडियो को अपलोड किया है, उसी वीडियो में यार वो बात करते हैं ऐसी चीज रिलेटेड। एंड वो क्या कुछ कहते हैं वो तुम उन्हीं से सुन लो। दिल की भड़ास नहीं निकालनी, गालियां देनी है। इसको बड़ा मजा आ रहा है गालियां सुनने में। सबसे कम सही है जी साहब, मुनासिब नहीं है गालियां देना, मुनासिब नहीं है गालियां देना। आप तीन हो गए रिजेक्ट, सिलेक्शन हो गई आपकी। आ जाओ, वैसे तेरे को गालियां सुननी है, अब उसने गालियां दे दी तो तुम्हारे को दिक्कत है। भाई भगवान कसम, तुम्हें एक बात बता रहा हूँ गाइस, अगर मैं कभी जिंदगी में बिग बॉस में जाता हूँ शो में, तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। और अगर मैं बिग बॉस में गया, हाँ मैं गालियां दे रहा हूँ, तो मेरी गालियों को सीरियसली मत लेना, क्योंकि भाई बिग बॉस में तो दे सकता हूँ ना। यहाँ मैं फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट बनाता हूँ, पर बिग बॉस में जाके तो फैमिली फ्रेंडली से हट के एडल्ट फ्रेंडली हो सकता हूँ ना। ओके सुबर्त, अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात लेते हैं गेमर फीड के बारे में। तो ऑलरेडी यार आप सारे लोगों ने गेमर फीड का फ्लीट असेंबली का तो न्यू वीडियो देख लिया होगा। एंड ऑल्सो उसमें यार ये वाला सीन तुमने जरूर देखा होगा, जिसमें काफी तगड़ा एनिमेशन सीन रहता है माइनक्राफ्ट में ही। तो इस एनिमेशन सीन को यार गेमर फीड के लिए बनाया था एलेक्स बिट्टू नाम के काफी अच्छे एनिमेटर ने। एंड वो भी यार इसी चीज के ऊपर में रिएक्ट करते हैं। एंड उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक स्टोरी डाली है, वो कहते हैं फीलिंग टू मच प्राउड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक द एनिमेशन फॉर गेमर फीड, थैंक यू सो मच। एंड बाकी यार तुम्हें ये वाला एनिमेशन सीन कैसा लगा था मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सबर तो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं टैडी गेमिंग के बारे में। तो तुम्हें पता होगा कि टैडी गेमिंग का प्रीवियस टैडी एसएमपी का जो वीडियो था उसको आए काफी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो वो अपने न्यू टैडी एसएमपी के वीडियो का अपडेट देते हैं। एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये एक स्टोरी डाली एंड वो कहते हैं टैडी एसएमपी सून, आई नो इट्स टू लेट सॉरी। तो यहां हमें काफी जल्दी टैडी गेमिंग का टैडी एसएमपी का न्यू वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। ओके सबर तो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो ऑलरेडी अभी मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियोस में बताया था कि क्रेजी दीप ने ट्वीट करके कहा था कि अगर इस साल IPL में RCB नहीं जीती तो वो अपना चैनल डिलीट कर देंगे। एंड भाई जीतने तो दूर की बात है, वो क्वालीफाई भी नहीं कर पाई RCB। एंड इसके बाद में यार क्रेजी दीप को बंदे बहुत ज्यादा ट्रोल करने लगे कि भाई अब चलो अपना चैनल डिलीट करो, आपने बोला था अगर RCB नहीं जीतेगी तो वो अपना चैनल डिलीट कर देंगे। तो उसके बाद में उन्होंने एक ट्वीट किया फिर से एंड वो कहते हैं भाई विराट की 100 दिल जीत लिया, ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा था मैं, लाइक वो अपनी बात से मुकर गए। एंड उन्होंने काफी यार एक फनी सी स्टोरी भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे इसी चीज से रिलेटेड, वो क्या कुछ कहते हैं देखो तुम लोग। भाई बार धोनी का लास्ट है तो उसको जिताना है इन लोगों को, ये सब फिक्स है। मैं तो देखता भी नहीं हूँ, और तू मेरी आईडी से ना भाई कुछ भी ट्वीट मत करा कर, हैं? भाई मैं जा रहा हूँ। फिर कोई भी यार बड़ा यूट्यूबर हो तो उसके लिए यार काफी सारे वीडियोस लोग बनाते हैं कि ये बंदा इतने करोड़ रुपए कमाता है, इतने अरब रुपए कमाता है। तुमने पता होगा यार कि तुमने काफी सारी वीडियोस ऐसे देखी होंगी, तो उसी चीजों से रिलेटेड यार डकी भाई भी रिएक्ट करते हैं। अब लाइक हुआ क्या, मैं तुम्हें एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो कुछ लोगों ने यार डकी भाई का कुछ इंटरव्यू उठा के इंटरनेट पे ऐसे डाल दिया था कि डकी भाई हर मंथली 1.5-2 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब इसी चीज के ऊपर मैं डकी भाई भी रिएक्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे एंड वो क्या कुछ कहते हैं तुम लोग उन्हीं से सुन लो। यार आजकल ना एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है टिकटॉक पे, जहां पे तुम लोगों ने देखा होगा कि मेरे से कोई हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो मेरे से किसी ने पूछा कि डकी भाई आपकी हाईएस्ट मंथली इनकम क्या है, तो मैंने बोला है 1.9 करोड़। तो काफी लोगों ने उसको मिस्टेकन कर लिया कि यार अब मैं हर महीने 1.9 करोड़ कमाता हूँ और YouTube से कमाता हूँ। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 के 30 दिन काम करके जीरो ब्रेक और दिन का सिर्फ 4-5 घंटे सो के काम करने के बाद 1.9 करोड़ बना है। और YouTube से नहीं, YouTube तो बस 20-25-30% वो उसका होता है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका प्रॉफिट, क्रिप्टो ट्रेड का प्रॉफिट, कोई काम शाम है और चीजें ब्रांड डील होगी, फिर ये YouTube भी हो गया, वो सारा मला के 1.9 करोड़ बना, वो सब कुछ मला के। और मतलब मेरी आंखें काली हो गई थी तब जाके 1.9 करोड़ बना। हाँ तो काफी लोगों ने जो है ना उसको अज्यूम कर लिया कि डकी भाई जो है ना हर महीने 1.9 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर, ठीक है, तो मैं मिसगाइड नहीं करना चाह रहा किसी को कि यार वो सारे काम शाम छोड़ के अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाए, ऐसा नहीं है।
ठीक है, मैं भाई यूट्यूब से सिर्फ हमारा 20-25-30% आता है, बाकी हम और बड़ी चीजें करते हैं। सही है, अब तुम लोग भी अपना पढ़ाई शराई से बाहर आओगे, एक्सप्लोर करोगे, तो तुम लोगों को पता लगेगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, मैंने कहा मैं एक स्टोरी बना के क्लियर कर दूं कि वो 1.9 करोड़ वाली जो क्लिप वायरल हो रही है ना, उससे बड़े लोग मिसगाइड हो रहे हैं और वो सारों ने जो है ना काम शाम छोड़ के अपने घर बाइकें बेच के कैमरे ले लिया यूट्यूब के लिए, तो ऐसा ना करना। ठीक है, तो हाँ, जस्ट वांटेड टू क्लियर। ओके, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, फिर बात करते हैं माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के काफी बड़े स्कैम के बारे में। तो लाइक हुआ क्या कि यार, एक माइनक्राफ्ट का काफी पॉपुलर सर्वर है जिसका नाम है कैवर्न्स, एंड इसका यार यूट्यूबर्स ने काफी ज्यादा रिसेंट डेज में प्रमोशन वगैरह भी किया था। बट लाइक हुआ क्या यार कि वो जो माइनक्राफ्ट का सर्वर है उसने यूट्यूबर्स के साथ में लाइक जितने भी लोगों ने उसका प्रमोशन किया था उनके साथ में काफी गंदा वाला स्कैम कर दिया। एंड इसी स्कैम के रिलेटेड यार बात करते हुए आई एम कॉपी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली थी, एंड वो क्या कुछ बताते हैं यार, देखो तुम लोग। हेलो गाइस, तो मैं ये बोलना आया था कि जो भी लोग केवन को ज्वाइन किए हो ये सोच के कि केवन मेरा सर्वर है और उधर पे खेल रहे हो, प्लीज अभी के अभी लीव करो, क्योंकि केवन वालों ने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया भाई। पहले तो सर्वर प्रमोशन का पैसे दिए, और जो भी पैसे दिए, पैसे देने के बाद पेपाल में भेजा था उन्होंने पैसा, फिर पेपाल को बोला कि मैं भाग गया पैसे लेके। तो भाई पेपाल वालों भी पागल है, मैंने उनको वीडियो का लिंक भेजा, लाइव स्ट्रीम का लिंक भेजा, कम्युनिटी पोस्ट का स्क्रीनशॉट भेजा, फिर भी पेपाल वालों ने पैसे उनको ही वापस कर दिया। और भाई मैंने ये सोच के ना बस 25% पैसे में प्रमोट कर दिया था उनका सर्वर, ये सोच के कि अपना सर्वर बनेगा मेरी जनता खेलने के लिए, उन सबके लिए अच्छी बात है, तो चलो सस्ते में कर देते। पर फिर भी उन्होंने भाई इतना सब कुछ करने के बाद धोखा दिया, और फिर सब बाकी मेरे दोस्तों के जाके बोल रहे हैं कि मैंने उनके साथ स्कैम किया। तो प्लीज तुम लोग अभी केवन में खेल रहे हो तो प्लीज अभी के अभी लीव कर दो सर्वर को भाई, बहुत हॉट हुआ हूँ भाई मैं। और उनसे क्रिएटर्स देख रहे हो स्टोरी, तो प्लीज उनके साथ कभी डील मत करना डिस्कॉर्ड में, स्नाइपर और जेपी करके ये लोग, वैसे तो नाम चेंज कर। ओके, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं रचित्रो के बारे में। तो क्या रचित्रो कुछ यूट्यूबर्स के साथ में बॉक्सिंग मैच करना चाहते हैं, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो उसी के रिलेटेड यार बात करते हुए रचित्रो ने एक ट्वीट किया, एंड वो कहते हैं आई रियली वांट टू डू अ बॉक्सिंग मैच विद समवन दिस ईयर, एनी क्रिएटर हु इज 18-21 year old 5'9-6 feet एंड 70-75 kg कम फाइट मी, नो जोक, इवन इफ आई लूज आई विन, एट लीस्ट आई विल गेन सम मैड एंड मसल्स एंड फाइटिंग स्किल्स बाय ऑल ट्रेनिंग। तो यार तुम्हें क्या लगता है कि रचित्रो के साथ किस यूट्यूबर को भाई करना चाहिए बॉक्सिंग मैच? एंड इसे ट्वीट के नीचे में अभिनव भी उसका रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कैन आई बी द रेफरी और कास्टर, लाइक वो ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं उस बॉक्सिंग मैच का कास्टर या फिर रेफरी बन सकता हूं। एंड इसी के नीचे यार जो ग्लोकस है वो भी रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं एंड्रियो भी, लाइक वो थोड़ा सा यार बता रहे थे कि तुम्हें एंड्रियो भी के साथ करना चाहिए। और बाकी तुम क्या सोचते हो कि क्या रचित्रो एंड एंड्रियो भी का भाई बॉक्सिंग मैच होना चाहिए या फिर किसी और क्रिएटर्स के साथ में, मेरे को कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना। ओके, सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात लेते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो अभी यार मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा था कि टोटल गेमिंग ने भाई अनाउंस करके बोला था कि अगर इस साल आईपीएल में आरसीबी जीत जाती है तो वो कंफर्म है अपना फेस रिवील कर देंगे। बट भाई आईपीएल में आरसीबी क्वालिफाई नहीं कर पाई तो जीतेगी कैसे? तो इसी के रिलेटेड यार अब सारे लोगों को ये लगने लगा कि टोटल गेमिंग भाई अब अपना फेस रिवील तो नहीं करेंगे, बिकॉज आरसीबी तो जीती ही नहीं। तो इसी के रिलेटेड यार बात करते हुए नियॉन मैन ने ट्वीट किया टोटल गेमिंग के लिए, एंड वो कहते हैं अब और कितना वेट करना होगा। अब इसी के रिलेटेड यार टोटल गेमिंग भी नियॉन मैन का रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं इस साल फेस रिवील कर देते हैं, वैसे भी काफी टाइम निकल गया है यूट्यूब पे, लाइक टोटल गेमिंग यार यही कहना चाहते हैं कि वो इस साल तक फेस रिवील अपना 100% कर ही देने वाले हैं। एंड टोटल गेमिंग के इसी ट्वीट के नीचे यार मैक्सटन भी टोटल गेमिंग का रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितना लोगों को हजम हो सके। अब भाई टोटल गेमिंग ने तो बोला है कि वो इस साल फेस रिवील कर देंगे, अब बाकी तुम्हारे क्या कुछ ओपिनियंस है इस चीज पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आल्सो दिव्या टंडन, शायद तुम लोगों ने जानते ही होगे, ये भी एक ट्वीट करती हैं यार टोटल गेमिंग के लिए, एंड वो कहती हैं सीधा-सीधा कहो ना फेस रिवील नहीं करना है। इसके नीचे टोटल गेमिंग फिर से एक कंफर्मेशन देते हैं, एंड वो कहते हैं इस साल कंफर्म। अब बाकी तुम्हारे क्या कुछ रिएक्शन है यार इस चीज पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं मिस्टर गेमर टी के बारे में। तो ऑलरेडी यार मैंने तुम्हें कल वाली न्यूज़ वीडियो में बताया था कि मिस्टर गेमर टी ने यार कहा था कि वो अपनी एक न्यू माइनक्राफ्ट की एसएमपी को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है वांटेड एसएमपी, एंड जिसका वो आज ट्रेलर भी अपलोड करने वाले थे अपने चैनल पे। तो फाइनली यार उन्होंने अपने न्यू माइनक्राफ्ट की एसएमपी वांटेड एसएमपी का ट्रेलर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना। ओके, सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं खतरनाक किसान के बारे में। तो मैंने यार तुम्हें कल वाली न्यूज़ वीडियो में बताया था कि खतरनाक किसान ने ट्वीट करके बोला था कि उनको अभी के टाइम पे काफी ज्यादा भाई व्हाट्सएप पे स्पैम मैसेज
मैसेजेस आते हैं एंड लाइक तुम्हें भी यार शायद से आते ही हो, तो उसी के रिलेटेड वो आज एक और भी ट्वीट करते हैं, वो बताते हैं कि भाई इनको नंबर कैसे मिल जाता है जो वो मैसेज करने लगते हैं। लाइक उन्होंने एक ट्वीट किया एंड वो कहते हैं इनको नंबर कहां से मिल रहा है, एंड ये सर मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूं कि ये जो स्पैम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे यार मेल्स वगैरह पे, भाई इनको नंबर कहां से मिल जाता है या फिर मेल आईडी कहां से मिल जाती है। अब बाकी तुम्हारे क्या कुछ रिएक्शन है यार इस चीज पे, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते अपनी लास्ट न्यूज सेगमेंट की तरफ जो कि है यूट्यूबर्स की नई वीडियो अपलोड्स के बारे में। तो लाइक यार सबसे पहले एमसी फ्लेम की नई वीडियो आ चुकी है, गेमर फीड का न्यू व्लॉग आ चुका है, बल्कि स्टार की नई वीडियो आ चुकी है, यस एस मारपाई की नई वीडियो आ चुकी है, यू प्लेस की नई वीडियो आ चुकी है, कैरी डिपाई की नई वीडियो आ चुकी है, तो सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यार बस अभी के लिए इतनी न्यूज थी, जो भी न्यूज मिलेगी यार मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। न्यूज सबमिशन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके न्यूज सबमिट करना एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।